हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेहा बंगाणी। मैं आ गई हूँ अपने एक और ब्लॉग के साथ। इसमें मैं अपने गांव वाला घर आपको दिखाऊंगी। आई होप आपको पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। शाम के 4 बज रहे हैं। मैं अपना ब्लॉग आज सुबह से शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं आज बिज़ी थी बहुत ज़्यादा। आपको पता है हम में से कोई भी घर पर बहुत दिनों से नहीं था, तो घर पे गंदगी हो रही थी धूल वगैरह हवा से, तो बस वही साफ़ सफाई में मैं लगी हुई थी सुबह से। और शाम के 4 बज रहे हैं अभी। मेरे हस्बैंड स्प्रे करने गए थे, अभी तक नहीं आए हैं। तो मैं आपको अपना आज घर दिखा देती हूँ फटाफट से, क्योंकि हमें आज जाना है मेरे मायके। मेरे मायके से फ़ोन आया था, आज का डिनर हमारा वहीं पर है। तो आज मैं आपको अपने मायके भी ले जाऊँगी और अपना यहाँ ससुराल वाला घर भी दिखाऊँगी। शाम का समय है, हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। तो यहाँ हम गाय बांधते हैं अपनी, ये गौशाला है। और यहाँ हमारा ये शाम का व्यू आपको दिख रहा है। ये पानी की टंकियाँ हैं, कभी यहाँ पे पानी ख़त्म हो जाता है तो हमको स्टोर करके रखना पड़ता है। हमारा फर्स्ट फ्लोर रेडी है, सेकंड वाला अभी नहीं बना है। देखो हमारे आने वाला है बिशु का मेला, जिसमें कि साफ़ सफाइयाँ सभी ने स्टार्ट कर दी हैं। और ये नीचे हमारे 2 रूम हैं, स्टोर रूम एक ये और एक ये वाला। हाँ, और ये है पानी का ड्रम, ये फट गया था लेकिन इसको हमने संभाल के रखा है, क्योंकि बारिश का पानी जब बारिश होती है तो इसके अंदर स्टोर हो जाता है, तो हमारे काम आ जाता है। ये हमारे वॉशरूम है, मैं अपना ब्लॉग फ़ोन से ही शूट करती हूँ। देखो ये नीचे का फ्लोर हमारा अभी बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है, बस 2 रूम बने हैं। और ये यहाँ पर एक खेत है जिसमें कि हमारे सेब के पेड़ हैं। तो अब हम चलते हैं सीधे ऊपर की तरफ। सुबह से हल्की हल्की धूप थी तो मैंने टॉवल सुखाने के लिए डाले थे, लेकिन अब हल्की हल्की बारिश हो रही है तो अब मुझे सारा सामान समेटना भी पड़ेगा। ये अंदर प्याज और आलू थे जो कि ख़राब हो रहे थे, तो मैं इनको बाहर रख दिया। तो रूम पहला वाला आता है हमारा, घर पे एंट्री करते ही ये है हमारा रूम। ये हमें शादी में गिफ्ट मिला था, और ये मेरे हस्बैंड के हैं ट्रेनिंग टाइम की फ़ोटोज़। इसमें राइट साइड से 3rd नंबर पे हैं मेरे हस्बैंड, इसमें से 3rd नंबर वाले मेरे हस्बैंड हैं। ये इनकी 2 एक फ़ोटोज़ हैं जो इनके बक्से में रखी थी, तो मैंने यहाँ फिक्स कर दी थी। और ये छोटू सा मिरर है जो मेरे भैया लाए थे बड़े वाले, तो फिर ये हमने यहाँ लगा दिया था। और यहाँ से ये रास्ता है, ये दरवाज़ा है, सीधे जाता है किचन की तरफ। देखो अच्छा है ना, किचन के जस्ट बगल में है। रात को भूख लगी तो आप आराम से अपने लिए कुछ बना सकते हो। ये सारे बर्तन मैंने धो के रखे थे सिंक में। अब आपको दिखा देती हूँ साथ में किचन अपना। और ये हमारा चूल्हा है जो कि सर्दियों में जलता है बस। हमारी किचन से बाहर भी एक हमारा छोटू सा खेत दिखता है, यहाँ पे भी हमारे सेब के पेड़ हैं। तो चलिए ब्लॉगिंग करते करते हम अपना काम भी निपटा देते हैं, क्योंकि फिर हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। ये देखो मुझे मिलने कौन आई है। मेरे हस्बैंड का कॉल आ गया है कि वो लोग अपने काम से निपट गए हैं और बाहर बारिश भी हो रही है, तो फटाफट से मैं उनके लिए चाय बनाती हूँ। ये लोग जब तक अपनी चाय ख़त्म करते हैं तब तक मैं आपको और दिखा देती हूँ अपना। ये हमारा जाता है बाहर के लिए एक दरवाज़ा, यहाँ पे हमारा एक और वॉश बेसिन है, और यहाँ ये वॉशरूम अटैच है, लेकिन अभी इसमें काम रह गया है तो उसको मैं आपको जब बन जाएगा तब दिखाऊँगी। अभी फ़िलहाल हम इसको एज अ स्टोर यूज़ करते हैं। बाहर हो रही है बहुत तेज़ बारिश, देखो मौसम कितना सुहावना है, बारिश भी है कोहरा भी है। तो बस जब बैक साइड से हम आते हैं तो सेकंड नंबर पे आता है मेरी सास का कमरा। ये मम्मी का कमरा है, यहाँ पर मम्मी सोती हैं। ये पहले से ही मम्मी लोगों का रूम था, जब मकान हमारा बना तो फिर इसको और रेनोवेट करवाया था। ये मेरी शादी से बहुत पहले की बात है, तो मेरे आने पर ये सब कुछ हो चुका था। ये मेरे ससुर जी हैं।
जिनके आशीर्वाद से आज जो भी हैं, मेरे हस्बैंड, मेरे जेठ जी। तो फिर आता है नेक्स्ट मौली का रूम। मौली, मम्मा, पापा, मौली की छोटी सिस्टर जो कि काफ़ी दिनों से बंद है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगस्त में आए थे शायद दीदी लोग, उसके बाद तो मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि प्रेगनेंसी में हमारा रोड तो आपने मेरे लास्ट ब्लॉग में देख ही लिया था, तो सफ़र करना बिल्कुल भी सेफ नहीं था। शायद गए थे, उसके बाद मुझे ध्यान नहीं है। तो काफ़ी टाइम से बंद ही हैं, कभी भैया ही आए होंगे एक आध बार जब आए होंगे। थक गई हूँ मैं, थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। चलिए तो अब बाहर का दिखा देती हूँ मैं आपको कि पहले यहाँ से दरवाज़ा था, फिर यहाँ सीढ़ी थी, फिर वो हटा दी गई, फिर सीढ़ी को पीछे जो फ्रंट साइड है हमारी, ये हमारा हॉल के लिए जाता है यहाँ से एक दरवाज़ा। ये पीछे वाला एक बैठक है जहाँ पे हमने ये एक साइड हमने बेड लगाए हैं, फिर वहीं पे सोफ़ा, क्योंकि ये इसकी लेंथ ज़्यादा है तो इसको हमने इस तरह से यूज़ किया है कि गेस्ट रूम के तौर पर। मौली की बर्थडे पार्टी के कुछ बलून्स हैं, बाकी सब उड़ गए हैं। तो ये आता है हमारा बैक साइड। अगर हम रोड की तरफ से आएंगे तो ये हमारा फ्रंट है, अगर हम पीछे की तरफ से आएंगे तो ये हमारा बैक है। तो बारिश हो रही है हल्की हल्की सी। ये जाता है मेरे मायके के लिए रोड, जिसमें कि हम जाने वाले हैं, रात भी हो सकती है जाते जाते, तो जब जाएंगे हम तभी पता चलेगा कि कितने टाइम पर निकलेंगे, पूरा मैं आपको दिखा पाऊँगी कि नहीं। अब हम चलते हैं सीधे हॉल की तरफ। ये है हमारा हॉल और ये सीढ़ी आप देखो सीधे किचन के सामने निकल रही है नीचे। ये हमारा हॉल है, ये इसका काम भी अभी थोड़ा रह गया है, लेकिन जब भी होगा आपको एक बार और दिखाई। ये हमने रखे हैं बिस्तर, क्योंकि कभी हॉल में ऐसा होता है कि हमारे बहुत सारे गेस्ट हो जाते हैं तो यहाँ पे हम नहीं होता, एक फैमिली फंक्शन होता है तो काफ़ी लोग आते हैं तो सब इधर से उधर बिस्तर लगा के। तो बारिश आप देखो हल्की हल्की सी हो रही है, मज़ेदार बारिश। तो ये रोड की साइड से दिखता है हमारा मकान इस तरह से, और मैं थोड़ा ऊपर आपको रोड भी दिखा देती हूँ। ये जो किचन से दिख रहा था हमारा छोटा सा खेत, ये वही है। ये जो ऊपर की तरफ जाता है रोड, ये है सीधे किरोली के लिए, और ये गाड़ी लगी है हमारी जिसमें कि हम त्यूनी से आए हैं। ये है हमारा गांव मैंजनी। तो आपको हमारा घर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं अपने फैमिली मेम्बर से आपको बिल्कुल भी नहीं मिलवा पाई अभी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं है मेरे और मेरे हस्बैंड के अलावा फ़िलहाल। तो जल्द ही मैं आपको अपने फैमिली मेम्बर्स से भी मिलवाऊंगी, तब तक के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से बोल रही हूँ एक बार, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही नए नए ब्लॉग देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। अब हम हो जाते हैं तैयार, हमें जाना है किरोली। अभी थोड़ा मौसम भी ठीक है, लेकिन मंजीत अभी कहीं जा रखे हैं तो उनको आने में टाइम लगेगा। तो तब तक के लिए हम हो जाते हैं रेडी और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि हमें देर भी हो जाएगी, और वो देर हो चुकी है, अब रात हो गई है। और फटाफट से हम तैयार होकर निकल गए हैं किरोली की तरफ। फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने मायके में, और मम्मी बैठी हैं चूल्हे के पास, आग जल रही है क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा है भाई, आग जलाना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये तेल की कढ़ाई लगी है, यहाँ हमारे लिए पूरियाँ बनेंगी।
मम्मी बना रही हैं चाय। ये हम दीदी हैं जिनके हमारा डिनर था, आपने मेरा का लास्ट ब्लॉग देखा होगा। ये मेरी बड़ी बुआ हैं, ये मंजित हैं, और ये भैया हैं, और ये हमारा किचन है जो कि मेरी शादी के लिए ही बना था। तो मम्मी बना रही हैं पूरियां, दीदी कर रही हैं बुनाई, और दोनों भाई फ़ोन में लगे हैं। मेरे पापा भी आ गए हैं तो डिनर कर रहे हैं। अब बैठ के गप्पे शप्पे, काफ़ी देर तक चली थी। मैं और मेरे हस्बैंड तो चलते हैं सोने, क्योंकि इनको सुबह ड्यूटी के लिए निकलना है। तो हम आ गए हैं, ये देखो फ़ोन में लगे। तो चलिए जल्दी मिलते हैं एक और ब्लॉग में। आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।